नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बीएड बीटीसी केस में आप लोगों को मालूम है कि एक लेटर छात्रों के द्वारा जारी किया गया है जो कि भेजा गया है। आज उस लेटर के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। लेटर भी आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया है, सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। विषय जो है आपका वो है आर्डर विलंब होने के संबंध में। आपको मालूम है 12 जनवरी 2023 को आर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व कर लिया गया था बीएड बीटीसी मामले को लेकर। और ये कब फैसला आएगा इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है कि सविनय विनम्र निवेदन है कि एसएलपी संख्या लिखी गई है और ये जो केस है उसकी सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच कर रही थी। आपको मालूम होना चाहिए इस चीज़ को। और इसका आर्डर की कापी जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई। कि आर्डर की कापी जारी करने से मतलब है कि बीएड बीटीसी मामले में बीएड को क्या किया गया, बाहर किया गया या नहीं किया गया, भीतर किया गया, क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर केस जो है रिजर्व है। उसका एक लेटर जारी किया है छात्रों के द्वारा और ये 12 जनवरी 2023 को इस केस को क्या कर लिया गया था, अंतिम सुनवाई पूरी हो गई थी और क्या रिजर्व था इसका फैसला। तो 12 जनवरी 2023 को इसका फैसला रिजर्व हो गया था। और एक बात और जान लीजिए कि इस महीने जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें इस केस की लिस्टिंग नहीं हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज और कल दो दिन तो आपका फैसला नहीं आने वाला। जो लोग कह रहे थे 30 अप्रैल तक आएगा तो 30 अप्रैल तक नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अनिरुद्ध बोस और जो सुधांशु धूलिया जिस बेंच के द्वारा इस फैसले को सुनाया जाना है उनकी तरफ से अच्छी खबर यह है कि जो अनिरुद्ध बोस हैं उनकी बेंच जो है अब लगना शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो गायब थे लेकिन आखिरकार वो आ गए हैं वापस और जो उनकी बेंच है वो अब लगना शुरू हो गई है। तो इस केस के जो फैसले की जो डिटेल जानकारी मिल रही है वो कुछ इस प्रकार से मिल रही है कि बीएड बीटीसी केस की जो लिस्टिंग होगी एक दिन पहले लिस्टिंग होगी और दूसरे दिन इसका फैसला आ सकता है। यानी कि जो लिस्टिंग के बाद फैसला आने का जो समय होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि लिस्टिंग से अगले दिन एक या दो दिन में लिस्टिंग होने के बाद इसके फैसले की सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि जो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक हम देख पा रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा पेंडिंग है, मोशन हियरिंग है, जो अभी तक इसका कोई कॉज लिस्ट सिविल केस हियरिंग रिजर्व 12/1/2023 ये रिजर्व है फैसला। और इसका फैसला जो सुनाने की बात आ रही है तो अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है जिसके द्वारा इस फैसले को सुनाया जाना है वो लोग अब बैठना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो लोग बैठ ही नहीं रहे थे बेंच पे, इसलिए अभी तक इस फैसले की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार उन लोगों ने अब क्या किया, बेंच उनकी लगना शुरू हो गई है। तो फैसला जो है मई के पहले और दूसरे सप्ताह में अब जारी हो सकता है, क्योंकि जो लेटर छात्रों के द्वारा जारी किया गया है इसके अलावा देश भर में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो सारी भर्तियां इसी केस पर टिकी हुई हैं, इसलिए जल्द से जल्द छात्र चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई जो है जल्द से जल्द हो जाए। उसके लिए आप लोग अपडेट हम जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। और बीएड बीटीसी केस के फैसले की जो अभी तक एनालिसिस हुआ है, एक बात याद रखिएगा, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें वेस्ट बंगाल नंबर वन पे आता है, उसने क्या किया है सभी छात्रों को प्राथमिक में मौका दे दिया है। जो बीएड वाले छात्र हैं उनको क्या किया गया है, बीएड अभ्यर्थियों को उनको शामिल कर लिया गया है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी कर ली गई है। तो केस का जो फैसला आ सकता है, जो जानकारियां मिल रही हैं वो ऐसा हो सकता है कि जो बीटीसी है उनको कुछ वरीयता मिल जाए और बीएड को जो ब्रिज कोर्स होता है उसको लेकर कोई नया निर्णय आ जाए। इसके अलावा बहुत कम संभावना है कि बीएड को बाहर किया जाए। लेकिन क्या फैसला आता है ये तो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या फैसला सुनाते हैं, उसकी अपडेट जैसे ही आएगी हम सबसे पहले अपडेट करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 2 हफ्ते में इसका फैसला आ जाना चाहिए, जैसा कि विभिन्न मीडिया सूत्रों से जानकारी मिले। जो अपडेट आएगी हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर